हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैट्रिक जॉली डिजाइन क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं मैट्रिक्स में। मैं आपको दिखा देता हूँ क्या सीखने वाले हैं, ठीक है। तो गाइस, सबसे पहले हम सीखने वाले हैं वी रेस टाइम, मतलब कि गाइस रेंडर। आपको जो कुछ भी बनाते हैं डिजाइन, तो उसको रेंडर कैसे करना है, मतलब कि उसको कलर कौन सा देना है, ठीक है। तो आपने सभी जगह पर देखा होगा कि इमेज में जो रेंडर इमेज आता है, ठीक है, तो कैसे करना है वो सीखने वाले है। तो उसके बाद दूसरा हम सीखने वाले हैं अल्टीमेटर बेल्डर, ठीक है। तो गाइस, ये वाला हम आज सीखने वाले दोनों चीज़, ठीक है। तो वीडियो जरा भी स्किप मत करिए, वीडियो पूरा देखिए। तो गाइस, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल पर मेंबरशिप नहीं ली तो मेंबरशिप भी ले लीजिए, ताकि वहाँ पर भी गाइस आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। और गाइस, 29 रुपीज़ से लेके आपको 1200 रुपीज़ तक मेंबरशिप मिलने वाले, तो भी गाइस वो भी आप ले सकते हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गाइस, आपको क्या करना है, आपकी फाइल जहाँ पे वहाँ से आपको ओपन कर देने। तो गाइस, मेरी फाइल यहाँ पे मैं रखी है डेस्कटॉप पे, ठीक है। तो मैं डेस्कटॉप पे जाके अपनी फाइल यहाँ पे ओपन कर देता हूँ। ओके गाइस, तो गाइस थोड़ी सी देर लग सकती है कि फाइल बड़ी है इसीलिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले गाइस, आपको करना ये है कि यहाँ पे जाना है वीर स्टाइल में, ठीक है। ओके, यहाँ पे क्लिक करें तो आपके सामने कुछ ऐसा कुछ सब दिखने को मिलेगा, ठीक है। ओके, तो गाइस सबसे पहले आपको करना है फोर एंड स्पेस, ठीक है। जैसे आप फोर प्रेस करेंगे, क्लिक करेंगे, तो गाइस यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे ओपन हो जाएगा, मतलब कि फोर व्यू आपको ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस, आपको यहाँ पे क्लिक करना है थ्री व्यू में, उसके बाद यहाँ पे मशीन व्यू में क्लिक करना है, ठीक है। इतना समझ में आ गया, तो चलिए इसके बाद गाइस आपको करना है, आपको मेटल को कौन सा कलर देना है वो आपको देखना है, ठीक है। तो जैसे कि गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन मेटल है, ठीक है। तो मैं गाइस मैं यहाँ पे ग्रीन पे क्लिक करूँगा, राइट क्लिक, तो सब जो ग्रीन मेटल होगा वही सिलेक्ट होगा, ठीक है। देखा आपने, यहाँ पे सिलेक्ट हो गया सब जगह पे। तो उसके बाद आपको कौन सा कलर देना है ग्रीन में, तो मैंने को देना है यहाँ पे येल्लो गोल्ड, ठीक है। तो यस, येल्लो गोल्ड में जैसे क्लिक करेंगे, ठीक है, येल्लो गोल्ड तो है, बाकी सब यहाँ पे बहुत सारे दूसरे कलर आपको मिलने वाले हैं। तो कौन सा सिलेक्ट करना है आप देख लीजिए, ठीक है। मैं यहाँ पे ये वाला सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इस वाला सिलेक्ट करने के बाद गाइस आपको प्रॉपर्टी में जाना है, ठीक है। यहाँ पे आपको करना है 0.7, उसके बाद करना है अपडेट, ठीक है। तो जैसे ही गाइस अपडेट होगा तो क्या होगा, जो आपको ग्रीन स्किन था, ठीक है, ये वाला, तो वहाँ पे वो कलर सिलेक्ट हो गया। उसके बाद जो ये आप देख रहे कॉलेट, ठीक है, पी एस एफ की कॉलेट है, तो वो मुझे सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो भी सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसमें मुझे लेना है गाइस व्हाइट गोल्ड, ठीक है। तो व्हाइट गोल्ड में भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ ये वाला, और उसको जाता है प्रॉपर्टी में, उसके बाद आपको करना है 0.7, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद कर लीजिए यहाँ से अपडेट, ओके, अपडेट हो गया। उसके बाद गैस आता है डायमंड की बात, तो डायमंड का आपको कौन सा कलर देना, तो यहाँ पे डायमंड का कलर सिलेक्ट कर दीजिए, तो आपका सब डायमंड सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जाना है डायमंड के ऑप्शन में, और यहाँ पे आपके बहुत सारे डायमंड मिलने वाले, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ ये डायमंड, और इसको देता हूँ प्ले, ठीक है, अपडेट। तो ठीक है, यहाँ पे हो गया। उसके बाद आपको जाना है यहाँ पे, मतलब कि आपको जो इमेज बनाएंगे उसके पीछे का आपको बैकग्राउंड कौन सा रखना है, ठीक है, और उसके लिए यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो ये बैकग्राउंड ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही गाइस बैकग्राउंड ओपन हो जाएगा, आपको सबसे पहले करना है जब बैकग्राउंड सिलेक्ट करके एम स्पेस, उसके बाद ठीक है उसको डाउन करना है यहाँ से इस तरह से, ठीक है, थोड़ा सा डाउन लीजिए, ओके, ये हो गया। तो गाइस बैकग्राउंड डाउन करेंगे तो क्या होगा, आपकी जो इमेज होगी उसको ब्लैक नहीं आएगा, ठीक है। आपने देखा होगा कहीं जगह पर आप रेंडर करते तो ब्लैक आता है, ठीक है, वो इससे ब्लैक नहीं आएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, आएगा लेकिन कम आएगा, ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद गाइस आपको क्या करना है, सिंपली ठीक है, यहाँ पर जाना है इमेज में। तो गाइस ये सब इमेज साइज है, तो इसमें गाइस आप जितना ज़्यादा इमेज साइज रखोगे, ठीक है, इतना ज़्यादा आपकी इमेज में क्लियरिटी आने वाली, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पहले से ही सिलेक्ट कर दिया, ठीक है, ओके। उसके बाद गाइस आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है, उसके बाजू में ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, मतलब कि कौन से व्यू में आपको रेंडर करना है, टॉप में करना है, राइट में करना है, फ्रंट में करना है, या 3D में, तो यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, आपको इमेज होगी उसको सेट करना है, ठीक है, मतलब कि आपको उसको कैसे रखना है, ठीक है, ओके। तो गाइस उसके बाद जो दूसरा उसमें चीज आता है एक बैकग्राउंड, तो मैंने आपको बताया अभी बैकग्राउंड तो आपको कौन सा कलर देना है, ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट किया बैकग्राउंड तो आ गया, लेकिन उसको कौन से शेप देना है, कौन सा कलर देना है, ठीक है। तो इसको आपके बैकग्राउंड यहाँ से सिलेक्ट कर दीजिए, बैकग्राउंड सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर चले जाइए। तो गाइस देखा आपने यहाँ पे बहुत सारे आपको रेड ब्लू ग्रीन बहुत सारे बैकग्राउंड फ्रेम मिलने वाले, ठीक है। तो गाइस मैं तो अभी यहाँ पे रखने वाला हूँ मेटल व्हाइट, ठीक है, व्हाइट ही रखना अच्छा लगता है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको सिंपल नहीं रखना तो आपको यहाँ पे दूसरे ऑप्शन भी मिलने वाले, देख सकते हैं आप यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे भी सब ऑप्शन है, ये गाइस सभी बैकग्राउंड का जो आता है इमेज उसका है, ठीक है।
तो मैंने यहाँ पे वाइट सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद फ्रेंड्स आपको सिंपली करना है अपडेट पे क्लिक, ठीक है। रेंडर पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपका रेंडर होना यहाँ पे थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस देखा हमारा जो पुरानी इमेज है उसको निकल के आपने देखा था यहाँ पे जो नया इमेज है वो रेंडर होना शुरू हो चुका है, ठीक है। तो गाइस रेंडर में थोड़ी देर लगती है ताकि उसमें से कलर देना और उसको पूरे का पूरा क्लीन करना वो सब चीज़ में बहुत देर लगता है, ठीक है। तो गाइस हम क्या करते हैं पहले देख लेते हैं अच्छा आ रहा है या फिर नहीं, ठीक है। मतलब कि हमने जो साइज सिलेक्ट किया है उसमें सेट हो गया है रिंग, ठीक है। तो चलिए पहले वो देख लेते हैं, ठीक है, सेट हुआ या नहीं, ठीक है। तो गाइस रेंडर जो आप डिजाइन बना तो रेंडर करना जरूरी है। तो रेंडर करेंगे तो आपको कहीं आप जॉब पे जाएंगे तो आपको जो सर होगा वहाँ पे उसको डिजाइन अच्छी लगेगी, ठीक है। रेंडर करेंगे तो डिजाइन अच्छी लगेगी तो ही आपकी डिजाइन पास होगी, ठीक है। तो चलिए देखें आपने गाइस यहाँ पे कंप्लीट सेट हो रहा है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्लोज ताकि इसमें बहुत देर लगने वाली है, ठीक है। ओके मैंने क्लोज कर दिया है। तो गाइस उसके बाद आपको इसको भी क्लोज कोई बात नहीं, इसको ओपन रखना दीजिए, ठीक है। उसके बाद गाइस आपको जाना है अल्टीमेट बिल्डर, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए तो यहाँ से नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलने वाले, ठीक है। सबसे पहले गाइस आपको जो 3D में करना है घुमाना है, ठीक है। मतलब कि 36 डिग्री में आपको रिंग को घुमाना है, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस देखिए फ्रेम काउंट है, ठीक है। तो सबसे पहले गाइस फ्रेम काउंट में क्या होता है, आप जितनी ज़्यादा फ्रेम रखेंगे उतने ज़्यादा वीडियो आपकी लंबी होगी। मतलब कि जो रिंग है उतनी स्लो में घूमेंगे, ठीक है। आप कम फ्रेम रखेंगे तो क्या होगा और वीडियो स्पीड में घूमेगी, मतलब जो रिंग होगी वो स्पीड में 36 डिग्री में घूमने वाली, ठीक। तो गाइस अभी मैं दिखाने के लिए अपने यहाँ पे सिर्फ 50 रख रहा हूँ, ठीक है। ओके और आपको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे मतलब कि आपको जो रिंग है को कौन से कैसे उल्टी घुमानी है या फिर सीधी घुमानी है, ठीक है। तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो उल्टी घूमेगी, देख रहे हैं यहाँ पे अभी। ओके ये हो गया उल्टी घूमने वाली, ठीक है। ओके गाइस इतना हो गया। तो हम क्या करते हैं वापस यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एकदम सीधी घूमेगी, ठीक है। उसके बाद गाइस आपको जो रिंग है उसको सिलेक्ट करें, मतलब कि आपको कैसे घुमानी है, ऐसे घुमानी है एक अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस तरह से आपको इसका घुमानी है, ठीक है। तो उसको पहले से सेट कर दीजिए, ठीक है, यहाँ पे। ओके उसके बाद जैसे ही आपको यहाँ पे सेट पेज पे क्लिक करना है, ठीक है। तो देखिए अभी मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा घूमेगी, देखा यहाँ पे घूम रही है, ठीक है। तो गाइस बस सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अभी यहाँ पे जो ऑप्शन है रेंडर तो वहाँ पे अभी क्लिक कर दीजिए, ठीक है, उसको कर दीजिए यस। तो अभी गाइस इसमें प्रोसेस होने लगेगा, ठीक है। तो देखा गाइस यहाँ पे सब आपने नीचे देखा था प्रोसेस, यहाँ पे फ्रेम सब सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो गाइस अभी क्या करेंगे, ये मैट्रिक्स जो होगा वो 1x1 मतलब 50 जो हमने फ्रेम सिलेक्ट किया, ठीक है, उसको सभी को बारी 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 से क्लीन करेगा, मतलब कि उसको कलर देगा बारी बारी से। तो उसमें गाइस प्रोसेस बहुत लंबी होने वाली है, तो इसीलिए गाइस मैं क्या करता हूँ इसमें तो फास्ट फॉरवर्ड में रखने वाला हूँ, ठीक है। तो चलेगा इसमें इसको फास्ट फॉरवर्ड में रख देता हूँ, ठीक है गाइस। तो अपने साथ में यहाँ पे देखा था ये बारी बारी से सभी 1x1 करके ऐसे हमने जो 50 फ्रेम था वो 50 फ्रेम में घूमेगा और रेंडर करेगा। तो इसमें गाइस बहुत देर लगने वाली थी, ठीक है। तो इसीलिए गाइस मैं वीडियो को यहाँ पे थोड़ा सा कट कर रहा हूँ जब तक मेरा फ्रेम सब रेंडर ना हो जाए तब तक, ठीक है। तो अपने आपको क्या करना है सभी फ्रेम इस तरह से रेंडर करके रखना है, ठीक है। तो दूसरा वीडियो में फ्रेंड्स मैं बताने वाला हूँ कि मूवीज मेकर का यूज़ कैसे करना है, ठीक है फ्रेंड्स।
यहाँ पे देखा थी वैसे सब मैंने 54 तो लिया था। तो गाइस अभी मैं यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ आपको, लेकिन गाइस 50 या 100 फोटो भी ले सकते हैं, उसमें कोई बात कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो गाइस अभी मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। तो गाइस उसके जो नया वीडियो आएगा उसमें गाइस हम बताने वाले हैं कि उसको जो आपने फोटो लिए उसको मूवीज मेकर में कैसे ऐड करना है, ठीक है। उसका वीडियो मतलब जो रिंग घूमती है, ठीक है, तो वो 36 डिग्री में कैसे घूमेगी, ठीक है, उसका वीडियो गाइस हम बनाने वाले हैं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए बस गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तब के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।